आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हाफी जी बाबा की उरूस की। जी हां, आज भिवंडी में हाफी जी बाबा का उरूस बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया गया। भिवंडी के कोने कोने से, हर जगह से, हर इलाके से, हर गली मोहल्ले से लोगों ने अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक चादर चढ़ाई और संदल लेकर आए। नारों के साथ लोगों ने दरगाह पर फूल चढ़ाए और सलाम और दुआएं की, दरुद फातिया पढ़ी और साथ ही साथ जो लोग साहिब हैसियत थे उन्होंने तमाम गरीबों को और ज़रूरतमंद को सिन्नी बाटी और लंगर तकसीम किया। आइए इसी की एक तस्वीर देखते हैं कि इस दरगाह के उरूस में कितने लोगों ने आकर यहां पर शिरकत की। भिवंडी के शांतता कमेटी की भी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो हर साल हर बार हर जगह पर लोगों का स्वागत करते हैं और इस अमन को और शांति को हमेशा कायम रखने की कोशिश करते हैं। इनका स्टेज चाहे गणपति हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार में शांतता कमेटी का स्टेज लगता है और वो पुरजोश के साथ लोगों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम पुलिस की भी तारीफ करना ना भूलेंगे, क्योंकि भिवंडी निज़ामपुरा पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक की जो कड़क ड्यूटी लोगों के लिए दी है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने ट्रैफिक को भी संभाला, आने जाने वाले लोगों को भी संभाला, जो संदल और चादर लेकर आ रहे थे उनका भी उन्होंने ख्याल रखा। ख़ास तौर से उन तमाम लोगों को उन लोगों ने उन चोरों से भी बचाया जो चोर घूम रहे थे। उन तमाम लोगों पर उन लोगों की कड़ी नज़र थी और पुलिस के होते हुए किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये तमाम चीज़ें जो है वो भिवंडी में ही देखने को मिलती है और ख़ास तौर से हाफी जी बाबा के उरूस में ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि बंसी ग्रुप का भी जो आखिरी संदल था वो भी हमें देखने को मिला, जहां पर बंसी ग्रुप की पूरी फैमिली थी, वारिस बाबा थे, साथ ही साथ रविश मोमिन को भी हम देख सकते हैं कि वो भी इस संदल में शामिल थे। और सबसे आखिर में जो है बंसी ग्रुप और इनकी जो संडल था वो दरबार में पहुंचा और वहां पर चादर चढ़ाने के बाद में पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस उरूस को इख्तिताम का ऐलान कर दिया और लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए।